हरियाणा विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। सदन में वोटिंग के दौरान 55 विधायक भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के पक्ष में रहे, जबकि 32 विधायकों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया। इससे साफ हो गया कि भाजपा जजपा गठबंधन सत्ता में बना रहेगा। आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल कांग्रेस ने मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में किसानों की मौत के मसले से भाषण शुरू किया। उन्होंने प्रस्ताव पेश करने के साथ ही सीक्रेट वोटिंग कराने की मांग भी की। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि कांग्रेस को कभी ईवीएम पर अविश्वास हो जाता है, कभी देश की सेना पर अविश्वास हो जाता है, अब सत्ता पर भी अविश्वास इतना बढ़ गया है। आलोचना करना अच्छे विपक्ष का काम है। मैं कहता हूं आप हर 6 महीने में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, इससे हमें ताकत मिलेगी। भले ही विरोध है लेकिन अच्छे काम की तारीफ भी होनी चाहिए। सुनिए विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, बीबी बत्रा व कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ कहा। हमें अपनी बात कहने का, वैसे तो कहने का मौका हमको असेंबली में पहले भी मिलता है, लेकिन विपक्ष के लोग कभी पूरी बात आखिर में हमारी सुनते नहीं थे। इस बार चूंकि उनके लिए मजबूरी थी, उनको पूरा समय बैठना था, हमने सारी बात उनको एक एक बिंदु के अनुसार जिस प्रकार की उनकी आपत्तियां थी सबके ऊपर अपनी बात कही और आखिर में वोटिंग में उनका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो औधे मुंह गिरा और एक प्रकार से सरकार विजयी हुई है। हमने उनको एक अपील की है कि भले आपका अविश्वास प्रस्ताव गिर गया हो, लेकिन ये जो किसान बंधुओं ने आंदोलन के माध्यम से कुछ धरने दिए हैं, कुछ की कॉल्स होती हैं, उनको एक एक करके हमने बताया कि किसानों के अहित में भी ये बहुत सी बातें इसमें से हैं। कुछ बातें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन जो 3 कानून को रद्द करने की उनकी जिद है उसको उनको छोड़ना चाहिए और तीनों बिलों पर क्लॉज बाय क्लॉज उनको अपनी बातचीत करके जो इसमें संशोधन किए जा सकते हैं जिसके लिए केंद्र सरकार तैयार है उस पर बातचीत करनी चाहिए। मैं तो सुबह भी बोल के हटा था कि मजबूती के साथ प्रदेश में 5 साल सरकार चलेगी और आज भी उसी मजबूती के साथ तमाम सत्ता से जुड़े हुए विधायकों ने अपना समर्थन सरकार के पक्ष में और नो कॉन्फिडेंस मोशन के विपक्ष में दिखाने का काम किया। मैं तो इतना बोल सकता हूं कि आज सदन के अंदर कई लोगों के चेहरे से नकाब हटे, वो लोग जो निरंतर ये कहा करते थे कि काले कानून हैं, उनने सदन में माना कि ये कानून काले नहीं हैं। वो लोग जो ये कहा करते थे कि एनडीए केंद्र में कानून लाई, आज सदन में माना कि कॉन्ट्रैक्चुअल भी बोला है, एपीएमसी एक्ट भी बोला है। और उन लोगों ने कभी विरोध की चर्चा नहीं करी, ये चीज भी पूरी तौर पर इस्टेब्लिश होगी कि गांव में जाकर जो विरोध की बात करते हैं वो भी वही लोग हैं जो आज सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और उनका एक लक्ष्य है, उनका किसान आंदोलन या कृषि कानून वापिस लेना लक्ष्य नहीं है, एकमात्र लक्ष्य है कि किसी तरह सत्ता में दोबारा आया जाए। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन में चारों खाने चित हो गया है, क्योंकि कांग्रेस कहीं पर भी किसान, किसानी या 3 बिलों के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठा सकी और 3 बिलों के बारे में तो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में स्वीकार किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती है, तो कोई भी वो मुद्दा नहीं बना सके। केवल राजनीति से प्रेरित था ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था और ये पूरी तरह से सदन में गिर गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमारा मोरल बड़ा है, कोई वहाँ पर कोई ऐसी हार की बात नहीं है। और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन गिनती के साथ इश्यूज पे भी होता है,
तो इसीलिए ये जरूरी नहीं होता कि वो कोई अल्प मत में आ गया है नहीं आ गया है, तो इश्यूज के ऊपर हमारी जीत हुई है, किसानों के मामले में हमारी जीत हुई है। उन्होंने एपीएमसी की अमेंडमेंट को भी मान लिया, वहाँ पर जो हमारा प्राइवेट मेंबर मिलता उसमें सृजन की कमेटी बनेगी, कमेटी का मैं सदस्य हूँ। उसके बाद किसानों की लड़ाई ये जो है जीत चुके हैं और सरकार हार चुकी है, सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे, हर हालत में लेने होंगे। और साथ में जो किसानों को ये सत्ता पक्ष जो धमका रहा है ना, इनको भी इनका मजा किसान ही सिखाएंगे। लेकिन जनता के दिलों में कांग्रेस पार्टी की विजय जरूर हुई है। बड़ा अफसोस बड़ा दुख है कि आज किस प्रकार सत्ता के लोभ में कुछ विधायकों ने अपनी अंतरात्मा को मारकर किसानों के विपरीत उनको मारने वाले बिल के समर्थन किया है। और मैं अब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटरों से प्रार्थना करता हूं कि आपके इलाके में ये लोग आएं तो इनसे जवाब जरूर मांगें कि आपने कितने में अपना सौदा किया। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।